व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाला है। PIB ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और इस कंबाइंड पैकेज को हम लोग बोलते हैं नैनो मैगजीन। आज की नैनो मैगजीन स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ में, शहीद उधम सिंह। तो इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हमारी कंट्री में देखने को मिला था अंग्रेजों के द्वारा, बैसाखी के दिन हमारी कंट्री में एक ऐसा आप लोग बोल सकते हैं एक ऐसी कंडीशन बनी जिसमें निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाई गई और ये पूरे देश को दहलाने वाली घटना थी, तो उसका बदला जो लिया गया यहाँ पर ये इस पर्सनैलिटी के द्वारा लिया गया। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज इनको सैल्यूट करना तो कम से कम बनता है हम लोगों का। तो इन्हीं की जो आज जो है 26th December यानी कि आज का जो डेट है ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसके इनके तो ये जो डेट है आप लोग ये भी याद रखिएगा, जिसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर आज का जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उसके बारे में, डे के बारे में आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर रणथंबोर म्यूजिक एंड वाइल्ड लाइफ फेस्टिवल। तो रणथंबोर, आप लोगों ने रणथंबोर का जब भी नाम आता है तो रणथंबोर नेशनल पार्क का नाम आप लोगों के माइंड में एकदम आना चाहिए। तो कहाँ पर है ये राजस्थान के अंदर है। ये एक तरीके का ये फेस्टिवल है जो कि प्रमोट करता है वाइल्ड लाइफ और जो फोक यानी कि जो लोकल एरिया के जो आर्ट वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर कंजर्व करने की बात करता है। आज के में है क्या, मॉडर्नाइज वर्ल्ड होता जा रहा है, सब चीज़ों में हम लोग मॉडर्न बनते जा रहे हैं, पर लेकिन जो हमारी कल्चर है वो तो पुरानी ही है, वो तो ऐसी ही रहेगी, तो कहीं ना कहीं उसको भी हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए, उसको जनता तक पहुँचाने के लिए इस तरीके फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें कई तरीके एक्टिविटीज़ होती है, जैसे सफारीज वगैरह, फोटोग्राफी, स्टार गेजिंग, ये सारी चीज़ें, योगा वगैरह, ये सारी आर्ट ऑक्शन, ये सब चीज़ें कंडक्ट कराई जाती हैं। तो इसी के चलते कई सारी परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देखने को मिलती है। 27 से 29 ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है रणथंबोर राजस्थान के अंदर में, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक एक कर अटेम्प्ट कीजिए, फिर इनका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं। या तो डायरेक्ट किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आप लोगों से ये किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और अपने आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में आप लोगों को बनाना है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की। इसके द्वारा अभी मैन्युफैक्चर करने की बात की गई रेल कोचेज, तो इसके द्वारा बोला गया यहाँ पर जो तमिलनाडु के अंदर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो कब स्टेब्लिश की गई, ये आप लोगों को बताना है। और के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया 1955 में, ठीक है। ये वो फैक्ट्री है जिसके द्वारा ट्रेन 18, जिसको आप लोग वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, वो बनाई गई है। तो हमारी कंट्री में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के थ्रू ये ट्रेन बनाई गई, जो कि काफी न्यूज में है। GIMS, ये काफी इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो इंप्लॉई हैं उनको एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया जाएगा, खासकर अगर कोई मैसेज वगैरह सेंड करना है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम आप लोग यूज करते हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म आप लोग इसको बोल सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन सीधा सीधा ये है, ताकि जो दूसरे प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, फेसबुक या सारे, ये विदेशी कंपनियों के प्लेटफॉर्म है, हमारी कंट्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी विदेशों में जाके शेयर होती है, सेव होती है, तो इसको अपनी ही कंट्री में रखा जाए। तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया, केरला की यूनिट है NIC, तो NIC की फुल फॉर्म क्या है। तो एक तरीके से GIMS और NIC की फुल फॉर्म आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा हूँ, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर बात करते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसके द्वारा इंडियन ओशियन डायलॉग, इसी के साथ में दिल्ली डायलॉग, तो ये दो डायलॉग देखने को मिले अभी, कहाँ पर सेलिब्रेट किए गए, यहाँ पर कहाँ पर ऑर्गेनाइज, तो न्यू दिल्ली में प्रवासी भारतीय जो केंद्र है वहां पर इनको ऑर्गेनाइज कराया गया। तो एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो दोनों इवेंट है वो एक साथ आप लोगों को नजर आए। इसी के साथ में जो थीम है दोनों की अलग अलग है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो इंडियन ओशियन डायलॉग, तो इसकी थीम क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। फिर यहाँ पर जो थीम है नेक्स्ट, यहाँ पर दिल्ली डायलॉग, उसकी क्या थीम है, तो ये आप लोग कंप्लीट करनी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के पूछ ले जाते हैं, क्योंकि UPSC का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है जब थीम के बारे में बात करते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर बात की जा रही है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के बारे में। अगर आप लोग अपना नंबर पोर्ट करना चाहते हैं एक नंबर से दूसरे नंबर पर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर, तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है ये पर्टिकुलर एरिया, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट, हम लोगों ने डिटेल में निफ्टी के बारे में बात की थी, तो ये फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, और आप लोगों को ये भी बताना है कि इसका जो आज के में प्रेजेंट अवतार है ये कब आया, यानी कि इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, और फिर जो चेंज कर जो नया वर्जन है इसका वो कब आप लोगों को देखने को मिला, तो ये आप लोगों को बताना है। न्यूज़ में किस लिए था, इसलिए था क्योंकि 24/7 निफ्टी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को IMPS और निफ्टी के अंदर डिफरेंस भी बताया था, तो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो भी आप लोग यूज़ करना चाहे उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए, लेक्चर का फायदा ये रहता है कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीजें सीखते ही सीखते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी आप लोगों को जानने को मिलती है जो कि आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि दोनों चीजों का फायदा है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से इनको चीजों को देखकर चला कीजिए।
सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्टेब्लिश की गई थी 1952 में, पर बाद में इसको इनोग्रेट किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा 1955 में। गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम GIMS इसको बनाने की बात की जा रही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो इंप्लॉई है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में कॉन्टैक्ट रखा जा सके। तो ये जो डिजाइन किया जा रहा है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर जो केरला यूनिट है वो यहां पर इसको डिजाइन कर रही है। तो क्वेश्चन बन जाएगा ये क्या है और कौन इसको डिजाइन कर रहा है, किस पर्पज से डिजाइन किया जा रहा है, तो ये पॉइंट आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सिक्स इंडियन जो ओशियन डायलॉग है और इसी के साथ में दिल्ली डायलॉग 11 ये अभी न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिले। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा इनको होस्ट किया गया, तो कौन सी मिनिस्ट्री होस्ट कर रही है इनको, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको होस्ट किया गया, पहला क्वेश्चन। ये दोनों एक साथ हो रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो इसलिए भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दिल्ली में हो रहे हैं तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हमारी कंट्री इनको ऑर्गेनाइज करा रही है। थीम क्या है दोनों की वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन ओशन, यानी कि जो इंडियन ओशन है हमारी कंट्री के नाम पर जो एक ओशन है लोता वर्ल्ड में, इसके बारे में बात करते हैं। सॉरी, यहां पर जो बात की जा रही है इंडो पैसिफिक, ये इसकी थीम है, इंडो पैसिफिक री इमेजिंग द इंडियन ओशन थ्रू एन एक्सपेंडेड जियोग्राफी, ये तो होगी इसकी थीम। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है थीम के बारे में दिल्ली डायलॉग की, इसका बात की जा रही है एडवांसिंग पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक जो वर्ड दो बार यूज किया गया, तो इसका मतलब है इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है उनको दोनों को मिलाकर कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, खासकर जो आसियान कंट्री है उनको साथ में लेकर, तो ये फोकस यहां पर रहता है। तो इसके चलते दोनों थीम इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाती है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के बारे में, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री में ट्राई जिसको आप लोग बोलते हैं वो ये सारी चीजें रेगुलेट करती है। दिसंबर के महीने से जो रूल है वो थोड़े आसान बना दिए गए हैं, अब और जल्दी आप लोगों का जो नंबर है वो पोर्ट हो जाएगा अगर आप लोग पोर्ट कराना चाहते हैं तो। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया निफ्टी सिस्टम, जो कि आप लोग यहां पर ट्रांसफर करते हैं पैसा 24/7, अभी हमारी कंट्री में किया गया इसको, तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फिर बाद में निफ्टी किया गया इसको 2005 में, जो कि आज के डेट में और एडवांस बना दिया गया, डायरेक्ट आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं 24/7 बिना किसी टेंशन के। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग का आइडिया होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर, जहां पर हम लोग बात करेंगे नैनो न्यूज के बारे में। तो नैनो न्यूज में काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और हाँ टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लगभग 96,000 के करीब लोग यहां पर ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग कोई पीडीएफ नहीं मिलती है तो वो आप लोगों को यहां पर मिल जाती है, इसी के साथ में कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मुझे शेयर करनी होती है तो वो भी यहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है। सारी अब तक की पीडीएफ यहां पर अगर आप लोग कोई भी नहीं मिली है तो यहां पर अगर आप लोग जाएंगे तो सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। जो लेक्चर आज बनाया था उसकी भी पीडीएफ आप लोगों की डाल दी गई है, जो कि रिलेटेड था जो एनपीआर एनआरसी और ये जो आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चल रहा है वो सब चीजें, तो उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है। तो ज्वाइन कर लीजिए इसको, काफी फायदा होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आप लोग इसके पैसा नहीं लग रहा है कि यहां पर आप लोगों को, बस ये रहेगा थोड़ा सा कि चीजें अवेलेबल आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। तो मुझे भी आसानी रहेगी आप लोगों तक पहुंचने में, आप लोगों को आसानी रहेगी मेरे तक पहुंचने में, बस ये फंडा। आइए नेक्स्ट यहां पर न्यूज के बारे में बात करते हैं। ओके सॉरी यार, चलिए कोई नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी खांसी होती रहती है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में, इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हमारी कंट्री में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे कि आप लोग बात करें जो भी है हमारी कंट्री में, जैसे कि सीआरपीएफ के बारे में बात करें, जो भी आप लोग असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देते हैं, या फिर जो आप लोग सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं, या फिर आप लोग जो एसएससी के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वो सारे इन्हीं में आप लोग के एग्जाम होते हैं, तो इन्हीं के थ्रू आप लोगों का सिलेक्शन होता है। पर लेकिन कई सारे डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा, एक साइड में होता है आर्मी और दूसरी साइड में है यहाँ पर ये पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो यहाँ पर एक तरीके से उसी लेवल का, कहीं ना कहीं कई सारी जैसे सीआरपीएफ के बारे में बात करते हैं तो उसी तरीके के यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो फेस करती है, पर लेकिन सैलरीज वगैरह जो है इनको थोड़ी सी कम आर्मी के कंपेयर में, और थोड़े से जो फायदे हैं वो भी कम दिए जाते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होम अफेयर से रिलेटेड है उसके द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई, रिपोर्ट का नंबर था 221। इस रिपोर्ट में बोला गया जो वर्किंग कंडीशन है बॉर्डर गार्डिंग जो फोर्सेज है, आसाम राइफल, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको आप लोग बीएसएफ बोलते हैं, तो ये बोला गया कि इनसे जो भी जो इनको जो बेसिकली फायदे पहुंचाए जाते हैं, जो चीजें हैं इनकी, वो सारी आप लोग ऐसी कर सकते हैं जिस तरीके से आर्मी की, यानी कि एक तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी में इनको भी कम प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, तो इनको भी आप लोग थोड़ा सा फायदा पहुंचाओ।
इसी के साथ में देखिए पहले क्या होता है, नॉर्मल ड्यूटी करते हैं, इसके बाद में इलेक्शन में ड्यूटी लग रही है। इसी के साथ में आप लोगों को और भी कई सारी इनकी प्रॉब्लम फेस करनी नजर आएगी। कहीं पर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो वहां सब ये सारी फोर्स जाती है, कोई ऑपरेशन चलाना है वो सारे ऑपरेशन इनके द्वारा चलाए जाते हैं, तो इसलिए इनको सपोर्ट करना काफी जरूरी है। तो इसी के चलते सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें तो आईएएस आईपीएस बनेंगे और जाकर सीएपीएफ में जो होगा क्या होगा वहां पर डायरेक्टर भी बन जाते हैं। तो कई बार तो ये रहता है कि इनमें जो डायरेक्टर बनने चाहिए वो इन्हीं के कैडर के यहां पर बनने चाहिए जो कि इसके थ्रू सेलेक्ट कर जाते हैं, इनके असिस्टेंट कमांडेंट जो बनते हैं उनको आगे चलकर डायरेक्टर जनरल बनने का मौका यहां पर मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो यहां पर है, रिस्क ये भी आर्मी के तरीके से ही फेस करते हैं, पर लेकिन इनको थोड़ा सा अलग थलग रखा जाता है, आर्मी के तरीके से इनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, जैसे आर्मी के लिए काफी सारी फैसिलिटीज हैं। इसी के चलते इनको इंसेंटिव की बात की जा रही है, पैरामिलिट्री सर्विस पे इनके लिए होना चाहिए प्रॉपर वे में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आते हैं, जो आर्मी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, तो इसके चलते इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो सुसाइड कर रहे हैं आज के डेट में इस पर्टिकुलर फोर्स में। रीजन क्या है? रीजन है रिग्रेस कंडीशन। तो किस तरीके से आप लोग सिचुएशन कंडीशन को सुधार सकते हैं ताकि इनको भी थोड़ा सा ढंग से रखा जा सके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के चलते एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टोटल मिलाकर हमारी कंट्री की जो फोर्सेज है वो 6 बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। वैसे हमारा बॉर्डर टच अफगानिस्तान के साथ भी होता है, पर लेकिन अफगानिस्तान के साथ में हम लोग अपना जो बेसिकली बॉर्डर है वहां पर फोर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि जो बॉर्डर टच होता है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में एरिया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसके बारे में याद जरूर रखिएगा। समझ लेते हैं कौन कौन सी फोर्स पर, कौन कौन से बॉर्डर पर कौन कौन सी फोर्स हैं। तो जो गार्ड की जाती है डिफरेंट फोर्सेज हमारी, वो डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा है और किसके द्वारा गार्ड किया जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पास्ट में भी है, तो आप लोगों से फ्यूचर में पूछा जा सकता है। तो इंडो पाकिस्तान जो बॉर्डर है यहां पर वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है। आप लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का ही एक तरीके से बांग्लादेश अब नाम चेंज हो गया, पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, तो एक तरीके से बोल सकते हैं पाकिस्तान वाला एरिया बीएसएफ के द्वारा टैकल किया जाता है। इंडो चाइना जो बॉर्डर है वो इंडो तिब्बतन पुलिस है, तो आप लोग याद रखिएगा चाइना यानी कि जो बेसिकली हमारा बॉर्डर टच करता है वो पहले तिब्बत हुआ करता था, तो तिब्बत हुआ करता था आज के में चाइना के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया, तो इसलिए यहां पर ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसके लिए आप लोग तिब्बतन पुलिस आप लोग इसको बोल दीजिएगा, यानी कि थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे तो एग्जाम में भूलेंगे नहीं। नेपाल और भूटान वाले जो छोटी छोटी कंट्री यहां पर सशस्त्र सीमा बल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ में इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है यहां पर आसाम राइफल देखने को मिल जाएगा। तो भूटान के बॉर्डर पर नेपाल के बर हो गए सशस्त्र सीमा बल, और म्यांमार जहां की आसाम सबसे बड़ा राज्य आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा अगर आप लोग इसको ढंग से नहीं हारेंगे, तो इस तरीके से ये सोचे कि आसाम राइफल यहां पर ये काम करेगी इस पर्टिकुलर बॉर्डर के साथ में, तो इस तरीके से आप लोग इनको कनेक्ट कर पाएंगे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के थ्रू चीजों को याद रखेंगे तो, ठीक है। तो ये समझिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, ये हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पर लेकिन एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि सर इनमें कंफ्यूजन था क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज की मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसके द्वारा कमेंट किया गया। तो शक्ति नाम पर कई सारी एक्सरसाइज है, शक्ति, गरुड़ शक्ति, यहां पर यह हरिमऊ शक्ति, ये है मैत्र शक्ति, तो इसके नाम पर जो एक्सरसाइज है इनके नाम आप लोग याद रखिएगा, ये अलग अलग कंट्री के साथ में है तो कंफ्यूज नहीं होना है। शक्ति जो है यहां पर ये इंडिया और फ्रांस के बीच में है, गरुड़ शक्ति जो है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, हरिमऊ शक्ति जो है यहां पर इंडिया और मलेशिया के बीच में है, और मैत्र शक्ति जो है यहां पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिएगा और इसको याद रख लीजिएगा, एक दो बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो याद रह जाएंगे, और सेम कंडीशन आप लोग इसके साथ में करनी है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो रिवीजन करते रहेंगे तो याद रहेंगे, नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो कई सारे पॉइंट आप लोग कवर हो गए, कई सारे क्वेश्चन आप लोग यहां से बन सकते हैं। आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर वाले डिस्कशन में हम लोगों ने पूरा एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में फिर से डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और ये चीजें इंपॉर्टेंट भी होती हैं। बात की जा रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। जेंडर गैप मतलब मेल और फीमेल, यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी में कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है औरतों से रिलेटेड, उनको एक तरीके से ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये 2020 की रिपोर्ट है, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ये इसको पब्लिश करती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखिएगा। आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड ये तीन कंट्री है जिसके द्वारा टॉप किया गया ऊपर से, अब नीचे से टॉप किसके द्वारा किया गया ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नीचे से जो टॉप किया गया वो यहां पर टॉप किया गया किसके द्वारा, तो ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर यमन, यमन की 150 यन के 153 रैंक, तो टोटल अगर आप लोगों से पूछे कितनी कंट्री थी तो 153 कंट्री थी, यमन के द्वारा नीचे से टॉप किया गया। सेकंड नंबर पे नीचे टॉप किया गया इराक के द्वारा, 152 रैंक है, और ये एक अच्छी बात है हमारा पड़ोसी देश जो है वो नीचे से टॉप करने में 151 पर है, यानी कि यहां पर पाकिस्तान की जो रैंक है वो काफी बुरी रैंक आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर महिलाओं पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं। इसी के चलते जो मलाला यूसुफ़ज़ई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनको जो एक तरीके से अवार्ड दिया गया था
वो इसीलिए दिया गया था क्योंकि वुमेन को एजुकेशन के चलते और सारी चीजों के चलते बहुत बुरी कंडीशन में वहां पर रखा जाता है, ठीक है। तो इसी के चलते ये रैंक लाजमी है यहाँ पर आना। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, ये बात की जा रही है इंडिया की रैंक की। इंडिया की रैंक जो लास्ट ईयर थी वो 108 थी, पर लेकिन हमारी रैंक भी और नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंची है, 112 पर हम लोग पहुंच गए हैं। यानी कि सही डायरेक्शन में चलने के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। चाइना की रैंक जो है 106 है, श्रीलंका की 102 है, नेपाल की 101 है, ब्राजील की 92 है, इंडोनेशिया की 85 है, बांग्लादेश की 50 रैंक है, जो कि काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो हमारी रैंक अपने पड़ोसी देश और इसी के साथ में ब्रिक कंट्री कंपेयर आप लोग करते हैं उसमें भी काफी बुरी रैंक आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, ये इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जनेवा बेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ आप लोग बोल सकते हैं, जो कि फाउंड की गई थी 1971 में। तो ये लगभग 48 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसका जो पर्पज है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। तो पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेट करके किस तरीके से सोसाइटी को अच्छा किया जा सकता है उसके ऊपर इसका फोकस दिया जाता है। तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये है, हमारी कंट्री की जो रैंक है यहां पर वो 112 देखने को मिली। और यहां पर कौन सी डायमेंशन है जो काउंट की गई है, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी, इसी के साथ में एजुकेशन क्या लेवल है, हेल्थ और जो सर्वाइवल वो कैसे चल रहा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसा है। तो ये चार ऐसे इंडिकेटर हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए जिसके बेस पर ये रैंक तैयार की गई है। इसमें से अगर वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें कंपनी बोर्ड के अंदर में, जो कंपनी होती है उसमें जो बोर्ड बनाए जाते हैं, तो हमारी जो रैंक, हमारी जो यहां पर परसेंटेज है वो 13.8 है। चाइना की वर्स है, इससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन है, 9.7 है, ठीक है। तो ये भी कुछ फैक्ट है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछे तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ओके। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम के बारे में बात करें। देखिए रिफ्यूजी जब वर्ड यूज किया जा रहा है ना, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किसी ने किसी कंडीशन की वजह से वो अपने एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में यहां पर आ रहे हैं, और उस कंडीशन को यहां पर किस तरीके से उसके हेल्थ, किस तरीके से बच्चों की एजुकेशन, किस तरीके से वुमेन सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हैं, तो इसके ऊपर फोकस दिया जाता है। तो ग्लोबल रिफ्यूजी जो फोरम है वो इन सब चीजों पर फोकस देती है। तो यहां पर ये अभी कहां पर मिले, जनेवा स्विट्जरलैंड में मिले। फोरम यहां पर जो ज्वाइंटली होस्ट की गई यूनाइटेड नेशन जो यहां पर बात की जा रही है, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है, UNHCR, इसी के साथ में यूएन रिफ्यूजी एजेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड, इनके द्वारा मिलकर, तीनों के द्वारा इसको होस्ट किया गया। तो ये एक तरीके से एवरी फोर ईयर एक मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होती है जिसमें जो रिफ्यूजी है अलग अलग कंट्री में जो जाकर रहे हैं उनकी कंडीशन सिचुएशन क्या है उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। तो क्या क्या फोकस यहाँ पर रहता है, फोकस सबसे बड़ा तो ये रहता है कि अगर एक कंट्री मान लीजिए, दूसरी मान लीजिए रोहिंग्या जो कम्युनिटी है वो क्या कर रही है, म्यांमार को छोड़कर बांग्लादेश में है, कुछ 40,000 के करीब हमारी कंट्री में भी है, आसपास की कंट्री में जा रहे हैं, तो उनको जान बचाकर वहां से भागना पड़ रहा है। तो 6 एरिया फोकस यहां पर दिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये बर्डन और रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग होनी चाहिए, यानी कि बांग्लादेश अकेला झेल रहा है उन सब चीजों को, तो यहां पर दूसरी कंट्री को भी शेयर करना चाहिए। दूसरा एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन या फिर कोई पढ़ रहा है उसके एजुकेशन के बारे में बात करें। जॉब्स और लाइवलीहुड के बारे में बात करना है। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सोल्यूशन निकालना है प्रॉब्लम का, और सबसे बड़ी बात है प्रोटेक्शन। इसी के साथ में जो कैपेसिटी है वहां पर वो देखनी पड़ेगी प्रोटेक्शन की, क्योंकि कई बार इनको गलत तरीके से डायरेक्शन में, डायमेंशन में डालकर किसी कंट्री के खिलाफ भी यूज कर लिया जाता है। तो UNHCR की बात करें अगर, तो ये अभी यहां पर जो बात की जा रही है ये काफी लंबे समय से इसके ऊपर फोकस देना है। 25 मिलियन के करीब वर्ल्ड वाइड ये माना जा रहा है आज के डेट में रिफ्यूजी हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर आप लोग बोल सकते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं 250 लाख के करीब जो लोग हैं आज के डेट में रिफ्यूजी हैं। तो कैसे उनका खाना पीना, सोना, नहाना धोना, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से फंड की जरूरत है इस सब चीजों को टैकल करने के लिए। तो एक शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग इसको बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर इसका अकेला बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। ये न्यूज है डिफेंस के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, इनको नेक्स्ट आर्मी चीफ यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि बिपिन रावत साहब हैं, वो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो अब यहां पर ये नेक्स्ट आर्मी के चीफ होने वाले हैं। तो पहली तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है। नेक्स्ट बात करें CDS के बारे में, जो चीफ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ की जो बात की जा रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो हो सकता है कि जो बिपिन रावत साहब है उनको इस पोस्ट पर अभी पहुंचा दिया जाए, ये भी कुछ खबर है। तो जल्दी ही आप लोगों को ये चीजें भी जानने को मिलेगी। तो हाईएस्ट आर्मी रैंक होती है यहां पर, जो कि जनरल की रैंक होती है, और पूरी आर्मी जो होती है वो इनके कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि इन्हीं के हिसाब से पूरा काम फिर चलता है, डिफेंस मिनिस्ट्री इन्हीं से आकर मिलती है। पर लेकिन अगर CDS की पोस्ट आ जाएगी तो फिर देखिए एक और बीच में यहां पर आप लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर गैप आ जाएगा। फिर जो CDS है वो यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री से मिलेगा, और इन तीनों फोर्सेज में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, एक सिंक्रोनाइजेशन यानी कि मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा बोला जा रहा है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। आप लोगों को पता है कि जो शटडाउन चल रहा है, काफी लंबे समय से शटडाउन चल रहा था यहाँ पर, अगस्त 5 से लेकर यहाँ पर, तो 16 अगस्त, जो 16 दिसंबर को यहाँ पर जो शटडाउन मार्क है वो कंटिन्यू किया, तो 134 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद में हमारी कंट्री में अब तक का यहाँ पर ये सबसे बड़ा शटडाउन आप लोग बोल सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट एवर कंटिन्यूअस इंटरनेट शटडाउन ये हमारी कंट्री में आप लोगों को नजर आ रहा है, जो कि अभी बहुत बुरी कंडीशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। टेम्परेरी सस्पेंशन था जो कि यहां पर किसके चलते हैं, तो टेंपरेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 के हिसाब से ये सस्पेंशन किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट जो है यहां पर कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने के लिए ऐसी एक्टिविटी करती है। तो अभी सबसे बड़ा जो हो चुका है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहां पर सस्पेंशन हो चुका है। वैसे रिसेंटली अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके चलते अभी यहाँ पर और भी कई सारे एरिया में इंटरनेट शटडाउन था, बल्कि ये भी बोला जा रहा है कि हमारी जो कंट्री है वो शटडाउन की कैपिटल बन चुकी है। ऐसी भी कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। तो देखते हैं सिचुएशन कब तक नॉर्मल हो पाती है, जो कि एक गलत बात है। एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट इस तरह की कंट्री में ऐसी अगर चीजें रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो इमेज है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो भी डिग्रेड करती है। तो देखते हैं सिचुएशन कब तक कंट्रोल होती है। नेक्स्ट, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है अमिताभ बच्चन नहीं है, अमिताभ बगाची है, ठीक है। तो इनके नाम आप लोगों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन में अमिताभ बच्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये अमिताभ बगाची, तो इनको अभी यहां पर DSC प्राइज, जो कि साउथ एशियन लिटरेचर जो अवार्ड है, वो भी इनको दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ये इनको जो दिया गया है ये 2018 में जो इनका नोवेल आया था, इसका नाम याद रखिएगा, हाफ द नाइट इज गोन। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमिताभ बगाची के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसको यहाँ पर DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर 2019 इनको दिया गया है। तो प्राइज जो दिया गया है वो दिया गया इनको, और नाम क्या है, हाफ द नाइट इज गोन, ये है इनके नोवेल का नाम। नेक्स्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करते हैं फर्स्ट इन इंडिया में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो कि हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं जब भी इनके बारे में पढ़ता हूँ। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर कोई भी कंडीशन आती थी तो सबसे पहले ये उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर देखते थे, जब यहाँ पर किसी और को कोई काम करने के लिए बोलते थे। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि हमारी कंट्री में भुखमरी काफी थी, हमारी कंट्री में पैदावार उतनी नहीं थी, तो इनके द्वारा नारा दिया गया था जय जवान और जय किसान का। इसी के चलते यहाँ पर जो नारा दिया गया, तो इनके द्वारा एक नारा और दिया गया कि हमारी कंट्री में एक दिन का फास्ट रखना है। तो एक दिन का जो फास्ट रखने की बात बोली गई, तो सबसे पहले इन्होंने अपने घर पर उसको इंप्लीमेंट किया कि अगर मेरे बच्चे बीवी एक दिन भूखे रह सकते हैं तो ही देश को मैं भूखा रहने के लिए बोलूंगा। तो ये काफी एक इंस्पिरेशन आप लोग देखने को मिल सकते हैं, एक इंस्पिरेशन फिगर थे, तो जिनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर जो काफी लार्ज स्केल पर इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी जी से, और इनके द्वारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो है, स्वतंत्रता का जो संग्राम था वो इनके द्वारा ज्वाइन किया गया 1920 में। इसी के साथ में फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर बने 1951 से 1956 तक, और फर्स्ट इंडिविजुअल जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया पोस्टमसली, यानी कि मरने के बाद में मरणोपरांत, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट अगर बात करें तो इंडो पाकिस्तान वार की बात की जा रही है। 1965 में जो वॉर हुई थी वो भी यहाँ पर इनके द्वारा जीती गई, काफी अच्छी लीडरशिप इनके द्वारा यहाँ पर प्ले किया गया। स्लोगन जो जय जवान जय किसान जो इनके द्वारा दिया गया वो आज तक भी हम लोग याद करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि याद रखेगा। इनसे रिलेटेड एक मूवी आई थी ताशकंद, तो ताशकंद में बड़ी मिस्टीरियस डेथ इनकी हुई, जिसपे एक मूवी बनाई गई है। अगर टाइम मिले तो उसको आप लोग जरूर देखेगा, काफी कुछ आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को पता भी होनी चाहिए, आगे एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी काम आप लोगों को आएंगी, ठीक है। तो ऐसी मूवीज वगैरह आप लोग जरूर देखा कीजिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, इसके बाद में आज का क्विज होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने ज्यादा शहीद उधम सिंह के बारे में, नेक्स्ट हम लोगों ने जो बात डिस्कस की वो एक रणथंबोर म्यूजिक एंड वाइल्ड लाइफ जो फेस्टिवल है उसके बारे में जाना, एक क्विज था जो कि आप लोगों के द्वारा अच्छे से अटेम्प्ट किया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की ये हमारी कंट्री पैरामिलिट्री फोर्स कैसे काम कर रही है और किस तरीके से आर्मी के सिक्योरेंट देने की उनको बात की जा रही है, कुछ अनाउंसमेंट। इसी के साथ में ये शक्ति और की एक्साइज जो है वो सारी समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने फोकस दिया कौन कौन सी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ कहाँ पर काम करती है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये जेंडर गैप के बारे में बात की और इसी से रिलेटेड हमारी रैंक है और कौन कौन से इंडिकेटर है वो सारी बातें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर रिफ्यूजी के बारे में जाना और क्या क्या यहाँ पर अभी जो मीटिंग होती है उसमें कहाँ कहाँ फोकस दिया जाता है वो जाना। इसी के साथ में नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होने वाला है वो समझा हम लोगों ने, और इसी के साथ में जो यहाँ पर बात की जा रही है कश्मीर में सबसे लंबा शटडाउन चला इंटरनेट का वो समझा, एक किताब उसके राइटर और एक प्राइस के बारे में आप लोगों को जानने को मिला, जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के सामने है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जो डिटेल में हम लोगों ने देखी। अब आप लोगों के सामने आज का क्विज, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर रणथंबोर म्यूजिक एंड वाइल्ड लाइफ फेस्टिवल जो आप लोगों को देखने को मिला ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, तो ये किस मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है जिसके द्वारा बोला गया है कि यहां पर जो वर्किंग कंडीशन है सशस्त्र सीमा बल और यहां पर जो
पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। एनुअल अगर बात करें ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बारे में जो कि 2020 भी पब्लिश किया गया, तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर टॉप टू कंट्री के आप लोगों को नाम बताने, तीसरी कंट्री एक फिनलैंड है जो कि रिपोर्ट में आप लोगों को भी यहाँ पर देखने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पर वर्स्ट कंट्री कौन सी है वो आप लोग बताइए, जिसकी 153वीं रैंक है, इराक 152 और पाकिस्तान 151। इंडिया की रैंक कितनी है 153 में से, जो लास्ट ईयर थी वो अच्छी थी, अब की बार और खराब हो गई है। फर्स्ट ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम जो है 2 डे की जो गैदरिंग अभी यूनाइटेड नेशन मेंबर के द्वारा देखने को मिली, तो ये कहां पर हुई, कौन सी पर्सनैलिटी है जो कि नेक्स्ट आर्मी चीफ बनने वाले हैं, जनरल बिपिन रावत साहब जो है वो 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर अगर पसंद आया तो ही लाइक कीजिएगा, वरना लेक्चर को डिसलाइक कीजिएगा, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को इंप्रूव किया जा सके। यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं, आप लोगों को काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जैक्ट 4 AM मॉर्निंग में, तो तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।